नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में कोचिंग खुलने को लेकर। भारत समेत पूरे देश में साल 2020 में जब पहली बार कोरोना का कहर शुरू हुआ था तो उस समय सबसे पहले स्कूलों को बंद किया गया था। उस समय से लेकर अब यानी कि साल 2021 का जुलाई का महीना, इस समय तक छोटे बच्चों के स्कूल पूरी तरह से बंद हैं। साल 2021 के जनवरी के महीने में कुछ दिनों के लिए बड़े बच्चों के स्कूल तो खोले गए थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने जब दस्तक दी तो एक बार फिर से लोग अपने अपने घरों में सिमट गए। अब कोरोना की दूसरी लहर में कमी आई है। राज्य सरकारें अपने प्रदेश की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। स्कूल ही नहीं, बाजारों को खोलने के लिए, मॉल को खोलने के लिए विचार कर रही है, क्योंकि जब सब कुछ एक साथ खोल दिया जाएगा तो भीड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे में राज्य सरकारें अपने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। पिछले दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि माध्यमिक कक्षाओं को खोलने के साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं की कोचिंग को खोलने की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि यह अनुमति सशर्त होगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि इसका अंतिम निर्णय 6 अगस्त को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की होने वाली बैठक में लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोचिंग खोलने का निर्णय कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, यह देखते हुए कि जिन क्षेत्रों में कोचिंग चलती है वहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना मुश्किल काम है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार इस संबंध में समय पर निर्णय लेगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति तय करेगी कि 50% उपस्थिति के साथ कोचिंग खोली जाए या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि कोचिंग संस्थान बेहद तंज इलाकों में हैं, यहाँ कोरोना संक्रमण की आशंका स्कूल की तुलना में कहीं अधिक है। उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि अभी शिक्षण संस्थान में फुल स्ट्रेंथ में कक्षाओं का संचालन नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गृह विभाग ने प्रतियोगिता परीक्षा कराने को लेकर अनुमति दिया है। ऐसे में अब प्रतियोगिता परीक्षाओं की कोचिंग खोलने की मांग उठने लगी है। इससे पहले शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक कार्यक्रम में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि स्कूल में बच्चे पढ़ने के अलावा अनुशासन भी सीखते हैं, इसलिए विभाग की मंशा है कि प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक स्कूल खोले जाएं, ताकि बच्चों के पढ़ने और सीखने की आदत बनी रहे। स्कूलों के काफ़ी समय से बंद रहने से बच्चों के आउट ऑफ स्ट्रेन होने का डर है। हालांकि स्कूल खोलने का निर्णय 6 अगस्त की बैठक में लिया जाना है। इसमें सरकार यह देखेगी कि स्कूल खोलने के अनुकूल परिस्थितियां बन रही है या नहीं। इस दौरान स्कूल खोलने को लेकर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि अभी किसी तरह की तिथि तय नहीं है। उन्होंने बताया कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च रिपोर्ट में साफ हो गया है कि बिहार में हाई इम्यूनिटी की जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस संबंध में हाल ही में आई दूसरी रिपोर्ट भी बताती है कि कोरोना से अब तक बच्चे काफी हद तक सुरक्षित हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम तीसरी लहर की तमाम आशंकाओं को एकदम खारिज नहीं कर सकते, इसलिए स्कूल खोलने को लेकर अभी हमें इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य से लेकर समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना का संक्रमण बेहद अनिश्चित है, इसलिए कोई भी निर्णय बेहद सोच समझकर लेना होगा। एक तरफ जहां सरकार स्कूल खोलने को लेकर विचार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार गंभीर है। ऐसे में अब देखना है कि सीएम नीतीश कुमार की आपदा प्रबंधन विभाग के साथ जब बैठक होगी तब इसमें क्या फैसला लिया जाता है। तो ये थे बिहार में कोचिंग संस्थानों को खोले जाने को लेकर खबरें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।